हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। नेहा के किचन में आप लोग का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बेसन का लड्डू। इसके लिए गैस पर चढ़ाए एक पैन, 1 कप लिए हैं घी, 4 कप लिए हैं बेसन। उसको धीमी आंच पे भूनेंगे आराम से। ये भूनने में आपको 20 से 25 मिनट लग जाएगा। मुझे घी थोड़ा कम लग रहा था तो मैं ऐड की। इसको हल्के हाथ से मतलब धीमी आंच पे भूनिए। बहुत मतलब टाइम तो लगता है लेकिन बन के बहुत परफेक्ट लड्डू आपका तैयार होगा। दिवाली पे मिठाई बनाइए, भैया दूज पे बनाइए, किसी भी त्यौहार पे आप बना सकते हैं। देखिए घी कितना मतलब छोड़ दिया। 1 पिंच यहाँ डालेंगे हल्दी पाउडर। आप फूड कलर का भी यूज कर सकते हैं। कलर देखिए कितना अच्छा आया है, भून के तैयार हुआ है। एक बड़ा परात में इसको निकाल लेंगे। आपको पतला दिख रहा होगा बेसन, अभी ठंडा हो के बहुत अच्छा हो जाएगा। कलर परफेक्ट आया है, वहाँ डार्क लग रहा था क्योंकि लाइट का थोड़ा इशू था। देखिए यहाँ पे भी डार्क लग रहा है। मैं घर का नॉर्मल चीनी पीस के यहाँ ऐड कर रही हूँ 2 कप। आप मार्केट में जो भूरा चीनी मिलता है उसे आप ऐड करिए। यहाँ पे छोटी इलायची का पाउडर मैं ऐड कर रही हूँ। मेरे पास भूरा चीनी नहीं था इसलिए मैं घर का नॉर्मल चीनी पीस के ऐड कर दी। दोनों हाथ से अच्छे से मिलाएंगे। देखिए परफेक्ट रेशियो है। अगर आपका 400 ग्राम बेसन है, यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीन पिस्ता मैं ऐड कर रही हूँ। मैं कह रही थी अगर 400 ग्राम आपका बेसन है तो 200 ग्राम चीनी लीजिए, 100 ग्राम घी लीजिए। अगर 200 ग्राम आपका बेसन है तो 100 ग्राम लीजिए आप चीनी और 50 ग्राम लीजिए घी। सारे लड्डू ऐसे बना लेंगे। गार्निश मैं कर रही हूँ थोड़ा पिस्ता से। दानेदार बेसन का लड्डू बनता है। मोटा बेसन आप लेंगे जो लड्डू बनाता है तो बहुत परफेक्ट बनेगा। वैसे तो मैं नॉर्मल बेसन से ही बनाई हूँ, बन के बहुत परफेक्ट तैयार हुआ है लड्डू। आई होप कि मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।